Hello everyone, Amit Ohra from EcoVisioner. I am here to tell you about the mock exam 2021. This mock exam हम 4 साल से एग्जाम करते आ रहे हैं. ये बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे ये एग्जाम है और इट गिव्स द चाइल्ड अ प्रैक्टिस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इन्फॉर्म द टीचर्स. देर आर मेनी टीचर्स हु आर कंसर्न अबाउट देयर अचीवर्स एंड टॉप स्टूडेंट्स हु आर एबल टू स्कोर 90 बट नॉट 100. दे स्टॉप एट 90 एंड देर नॉट एबल टू स्कोर 100 मार्क्स. तो उनके लिए दैट दिस इज द बेस्ट पेपर. सो यू हैव सीबीएसई एक्सपर्ट्स हु आर डिजाइनिंग दिस मॉक एग्जाम एंड ऑफ कोर्स द सेम टीचर्स चेकिंग द पेपर. सो आई एम श्योर आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम द स्टूडेंट विल बी एबल टू स्कोर 100 मार्क्स इन बोर्ड्स. ऐसा पहले भी हुआ है. द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 95 टू 100 मार्क्स इन मॉक एग्जाम ऑफ इको विजनियर हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स इन बोर्ड्स. There have been hundreds of students who have scored 100 marks in boards after giving the mock exam, which is exactly on the CBSE board pattern. Secondly, teachers are also concerned. Teachers बहुत concerned रहती हैं for students who are not able to pass, who are not able to score 27 marks out of 80. तो उनके लिए भी ये mock exam बहुत जरूरी है because before the boards they will be knowing where they stand. तो वो बच्चों को वो वाले टॉपिक्स करा सकती हैं जहां पे उनकी गलती हो रही है. अगेन द टीचर इज अननोन, द एग्जामिनर इज अननोन. तो वो वाला फैक्टर बहुत हेल्प करेगा जानने के लिए कि मेरा बच्चा कैसे पास हो सकता है. तो अचीवर्स और द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू पास थ्रू आउट द ईयर, प्री बोर्ड में पास नहीं हुआ है, तो वो ये मॉक एग्जाम दे के वी कैन गेट एन आइडिया कि हाउ विल ही बी परफॉर्मिंग इन बोर्ड्स. पेरेंट्स हु आर कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस ऑल्सो कैन गेट एन आइडिया कि वो बोर्ड में कौन कौन से उनके अब वीक एरियाज रह गए हैं जिसपे बच्चे ने और काम करना है. स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन गेट एन आइडिया कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं. और ये जो एग्जाम होगा वो इम्पार्शियल चेकिंग होगी. द एग्जामिनर इज अननोन एंड द पेपर इज एग्जैक्टली द बोर्ड पैटर्न. सो दैट गिव्स यू अ रिहर्सल ऑफ द बोर्ड एग्जाम. उसके 20 दिन पहले आप वो एग्जाम दे रहे हो तो यू विल बी गेटिंग अ चांस टू एक्चुअली वर्क ऑन योर वीकर एरियाज. सो वी विल बी टेलिंग यू योर मिस्टेक्स. तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम देना एंड लेट अस सी हाउ वाई दिस अच्छा वाई दिस एग्जाम इज इंपॉर्टेंट और वट इज अ बेनिफिट ऑफ गिविंग दिस एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड गेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग एक्सटर्नल एग्जाम सिमिलर टू द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, इट्स एन एक्सटर्नल एग्जाम जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. सो यू आर नॉट कॉम्पीटिंग विद योर ओन क्लासमेट्स, यू आर कॉम्पीटिंग विद स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम दुबई गिविंग दिस एग्जाम. सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आपके साथ, सीबीएसई स्टूडेंट्स आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं. और फिर आपको इवैल्यूएशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैम ने ये ठीक से चेक नहीं किया, सर ने यहाँ पार्शलिटी की है, उसको ज्यादा मार्क्स दिए हैं, इसको कम दिए हैं. हेयर वी यू आर अननोन टू अस. सो द पर्सन हु इज चेकिंग द सब्जेक्ट एक्सपर्ट हु इज इवेल्युएटिंग द पेपर हैज नथिंग टू डू विद यू. सो दे विल बी इम्पार्शल एक्सटर्नल चेकिंग. एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर एबल टू स्कोर 100% मार्क्स वी आर गिविंग यू 5100 कैश प्राइज. सो दैट वे टू मोटिवेट यू दैट यू कैन गेट द सेम 100% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यू कैन ऑल्सो सी वॉट सब्जेक्ट्स वी आर ऑफरिंग फॉर द मॉक एग्जाम दिस ईयर. फॉर क्लास 12th वी हैव इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री, जोग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन. तो आपको लगता है मैं किसी में वीक हूं या मुझे किसी में 100 मार्क्स लाने हैं, मेरे को अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है बिफोर द बोर्ड, तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट एज मॉक एग्जाम यू कैन अपियर. एंड क्लास 10th वी हैव सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश. सो दीज आर द सब्जेक्ट्स वी आर ऑफरिंग फॉर द बोर्ड मॉक एग्जाम एंड डिटेल्स आर गिव एज फॉलोज. एग्जाम पैटर्न इज सेम एज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. ड्यूरेशन 15 मिनट्स फॉर रीडिंग एंड 3 आवर्स फॉर द पेपर. सब्जेक्ट फीस इज जस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, द इवेल्युएशन एंड द डिस्कशन ऑफ द पेपर विद द स्टूडेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस फीस.
Exam dates are 10th to 20th April, depending on your suitability. As the exam center is your residence itself, under the invigilation of your parents, you will be giving your exam. So student's residence is the exam center. You can either send the physical copy, the hard copy of the paper to the evaluator, or you can also send us the PDF of the paper so that we can evaluate in a week and send it back to you. So this paper which you are giving will be, result will be out, result will be out in a week's time. So the learner will be mailed their result within a week, and the questions which have been there, which are wrong, will be discussed with the student on the Zoom meeting. So that also will be done. To register, we have given the link in the description column. You can just click on that and fill the form for the mock exam. Or the easy way to do is to call this number and register for this mock exam. I'm sure if you give this mock exam, you will be able to score very good marks in boards. All the best, everyone. God bless you. Take care.